ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस में आ गए और यहाँ फाइल में जाके न्यू हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% प्रैक्टिकल में भी आएगा, 100% थ्योरी में भी आता ही आता है, बहुत बार आया है। राइट ए प्रोग्राम टू टू स्वैप टू नंबर्स। ठीक है, स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। ठीक है, दो वेरिएबल में दो अलग अलग वैल्यू लेंगे और दोनों वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे कोई बता सकता है? जैसे कि मान के चलो ए के अंदर मेरे पास है 10, ठीक है, बी के अंदर क्या है 20 है। ठीक है, फाइनल मुझे वैल्यू क्या चाहिए, ए के अंदर 20 चाहिए और बी के अंदर 10 चाहिए, ये हम लोग आउटपुट में चाहिए। इनपुट हम लोग क्या देंगे, ए इक्वल टू 10 देंगे, बी इक्वल टू 20 देंगे और फाइनल आउटपुट में हम लोग क्या मिलना चाहिए, दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 10। कोई बता पाएगा कैसे करेंगे इसको? सर एक और वेरिएबल लेकर कर सकते हैं, तो जैसे कि वेरिएबल सी लेकर करेंगे, ए प्लस बी करके कंडीशन देंगे और दोनों की वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे तो आ सकता है। दोनों की वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे तो आ सकता है। ठीक है, और कोई आंसर? और किसी के पास कुछ है आंसर इसका? ठीक है, तो अभी हम लोग एक थर्ड वेरिएबल लेके हम लोग स्वैप करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, चलो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच। ठीक है, और हम लोग लिखते हैं void main। ठीक है, गेट सी एच। ठीक है, कन्फ्यूज तो नहीं होता ना, मैं गेट सी एच पहले लिख देता हूँ करके। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दो वैल्यू इनपुट लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ इंट ए कॉमा बी कॉमा टेम्प। ठीक है, ए और बी में हम लोग वैल्यू देंगे। ठीक है, टेम्प्रेरी वेरिएबल खाली रहेगा। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब मैं वैल्यू को इनपुट देता हूँ। ठीक है, तो इनपुट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, सारा चीज़ हम लोग अब रन टाइम पे ही इनपुट लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू असाइन करने का काम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखें, लिखेंगे एंड स्लैशन में दे देता हूँ एंटर ए। ठीक है, फिर यहाँ पे स्कैन एफ। ठीक है, बाकी लोग तब तक लॉजिक सोच के रखो, परसेंट डी कैसे होगा, एम परसेंट ए। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट एफ। ठीक है, स्लैश एन एंटर बी। ठीक है, स्कैन एफ, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं डबल कोट्स के अंदर परसेंट डी कॉमा एम परसेंट बी। ठीक है, ए और बी दोनों में हम लोग को मिल गया है इनपुट। अब हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे ये बताओ। इसको मैं कर लेता हूँ सेव स्वैप वन डॉट सी। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल है। ठीक है, ए और बी। ठीक है,
ए में मान के चलो 10 वैल्यू है, बी में मान के चलो 20 वैल्यू है, ठीक है, साइड में लिखते जाओ कॉपी में। ए में वैल्यू है 10, ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल टू 10, ठीक है, बी इक्वल टू 20, ठीक है, ये कमेंट में करके रखा हूँ, ठीक है। और जो हमारे पास टेम्प वेरिएबल है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टेम्प्रेरी जो एक वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम लोग पहले ए की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। हमारे पास टेम्प नाम का एक वेरिएबल है, इसमें हम लोग किसकी वैल्यू डाल देंगे, ए की वैल्यू डाल दिए। अब ए जो था वो खाली हो गया, इसको ऐसा अज्यूम करो कि हमारे पास 3 बाल्टी है, ठीक है, 3 बकेट है हमारे पास, तीनों 3 बकेट में से 1 बकेट खाली है, 2 बकेट भरा हुआ है, एक में है ब्लू कलर का पानी, एक में है रेड कलर का पानी। हम लोग को क्या करना है, बकेट नंबर 1 में जो ब्लू है और बकेट नंबर 2 में जो रेड है, दोनों का पानी एक्सचेंज कर देना है। कैसे कर पाएंगे, हमारे पास एक खाली बाल्टी अवेलेबल है, खाली बाल्टी का नाम है टेम्प, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास बाल्टी है उसका पानी किस में डाल दिए हम लोग, टेम्प में डाल दिए, तो फर्स्ट वाला बाल्टी क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए में जो वैल्यू थी, ए में वैल्यू थी 10, 10 वैल्यू किस में डाल दिए, टेम्प में डाल दिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू खाली हो गई, टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, क्लियर। अब ए की वैल्यू खाली है, ए इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, तो बी की वैल्यू ए में डाल देते हैं, बी की वैल्यू कहाँ डाल दिए, ए में डाल दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई 20, ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो गई, खाली हो गई, कुछ नहीं है ए के पास, बी के पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बी में किसकी वैल्यू डालना है हम लोग को, बी में हम लोग को डालना है टेम्प की वैल्यू, टेम्प के पास क्या है, 10 है, यहाँ डाल दिए टेम्प, ठीक है। अब क्या हो गया, बी की वैल्यू हो गई 20 और वापस से टेम्प क्या होगा, खाली हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसके पास, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को वैल्यू क्या मिल रही है, सॉरी 10 हो जाएगा बी की वैल्यू, है ना, ठीक है, टेम्प की वैल्यू क्या थी, 10 थी, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को वैल्यू क्या मिल रहा है, ए इक्वल टू 20 मिल गया यहाँ पे, ये देखो ए इक्वल टू 20 मिल गया और बी इक्वल टू 10 मिल गया, दोनों वैल्यू स्वैप हो गई, इंटरचेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई, समझ में आया कि नहीं आया। सर एक बार और बताना तो, टेम्प मतलब ए सी इक्वल टू बी इससे बताना तो। मैं शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो लॉजिक अच्छे से समझना, टेम्प हमारा खाली है, ठीक है, टेम्प क्या है, खाली है, कोई वैल्यू नहीं है उसके पास। अब ए की वैल्यू हम लोग टेम्प में डाल देते हैं, टेम्प इक्वल टू ए, ठीक है, ए में डाल दिए, ठीक है। अब ए खाली हो गया है, ए क्या हो गया है, खाली हो गया है, ठीक है। अब ए खाली था, ए में किसकी वैल्यू डाल देंगे हम लोग, बी की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब बी खाली हो गया, ठीक है, तो बी खाली हो गया है, तो बी में हम लोग किसकी वैल्यू डाल देंगे, वापस से टेम्प की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो टेम्प के पास 10 था, तो 10 किस में चल जाएगा, अब बी में चल जाएगा, तो फाइनल वैल्यू हम लोग को ए की वैल्यू जो है 20 मिलेगी और बी की वैल्यू जो है 10 मिलेगी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यस हम लोग सर दोनों की वैल्यू प्रिंट कर यस देते सर हैं, ठीक है, लिख देंगे प्रिंट एफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप, ठीक है, परसेंट डी, कॉमा देखिए हम लोग क्या लिख लेंगे,
ए लिख लेंगे, प्रिंट एफ, स्लैश एन, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैप, ठीक है, परसेंट डी, ठीक है, कॉमा देके हम लोग क्या कर लेंगे, बी लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसको करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं आया, और इसको करते हैं रन, ठीक है, एंटर ए, मैं डाल रहा हूँ 10, ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, बी की वैल्यू भी डाल देता हूँ 20, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप क्या आ रहा है, 20 मिल रहा है हम लोग को, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैप 10 मिल रहा है हम लोग को, क्लियर, समझ में आया? यस ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू डाल के देख लेते हैं, क्या पता अभी हम लोग गलत बना रहे हैं, ठीक है, मैं डालता हूँ 50 ए में, और यहाँ पे 100 डाल देते हैं, ठीक है, चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे हम लोग बनाए? यस सर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है इसमें? लॉजिक नहीं समझ में आना चाहिए बस, लॉजिक समझ में आ गया तो प्रोग्राम कैसा भी हो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, लॉजिक समझ में आया ना? लॉजिक बस इतना सा था, एक बाल्टी की वैल्यू दूसरी, मतलब एक एक टाइम वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में डालना है, दूसरे की तीसरे में डालना है बस, और तीसरे की वापस से पहले में डाल देना है, ठीक है, क्लियर। किसी कुछ भी डाउट यस होगा तो पूछ लो। सर, आउटपुट दिखाओ तो एक बार। आउटपुट दिखाऊं? ये लो, वैल्यू में डाल रहा हूँ 50, और यहाँ डाल देते हैं 100, ठीक है, ये आउटपुट है, देख लो। ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। यस सर। ठीक है, समझ में आया क्या प्रोग्राम की? नहीं आया? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा बोलोगे तो एक बार और बता दो, ठीक है, डरना नहीं है प्रोग्राम को देख के कभी भी, ठीक है, बहुत इजी होता है। सर हम लोग वेरिएबल्स में ए बी के अलावा सी डी मतलब और भी ले सकते हैं कि दो वेरिएबल्स सिर्फ इसमें अपन ले सकते हैं? वेरिएबल का नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम रख लो। अब मुझे ए भी इजी लगता है तो मैं ए भी ले लिया, आप लोगों को पढ़ने में भी आसान लगेगा तो मैं ये भी ले लिया, कोई भी ले लो, कॉम्प्लिकेटेड ले लो, यहाँ नहीं पे सर, अपना वैसे नाम नहीं, लिख लो। इंट ए बी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, वैसे मतलब चार वेरिएबल लेके अपन बना कर सकते हैं क्या सकते करके, हैं, मतलब कर स्वैप सकते हैं, करके। कर सकते हैं, तो भी टेम्परेरी, अभी मैं दो वेरिएबल को बताया, ठीक है, तुम लोग चार वेरिएबल का कर लो, वहाँ पे भी थर्ड वेरिएबल यूज़ होगा ही होगा। जैसे डेसिमल नंबर डाले तो होगा? अरे महाराज, हेलो, हाँ वो वेरिएबल पे कोई भी वैल्यू डाल दो ये एक्सचेंज कर देगा, ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये फॉर्मूला कोई भी वैल्यू डालो उसमें कैरेक्टर भी डाल दो तो भी एक्सचेंज कर देगा, स्ट्रिंग का वैल्यू ले लो स्ट्रिंग को भी एक्सचेंज कर देगा। आया समझ में? ठीक है, सर तो दो ये मतलब वेरिएबल का सी कर रहे हैं ना, यहाँ से वहां से डेटा बस यहाँ कर रहा है सर, हाँ बस कॉपी कर रहा है एक मतलब दूसरे ए का से, बी में डालता है, बी में सी में डाल देता है, फिर सी को वापस, फिर रिटर्न वो टेम्प में कर देता है, नहीं सीबीआई नहीं उसका है। देखो पहले ए की वैल्यू टेम्प में गया, ए खाली हो गया, फिर हाँ बी की वैल्यू ए में डाल दिए, बी खाली हो गया, अब बी की वैल्यू सॉरी बी में क्या डाल दिए, टेम्प की वैल्यू वापस डाल दिए। आया समझ में? यस सर। यस सर। बस इतना हम लोग कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में जा रही है,
क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया? यस सर, आ गया। किसी कुछ डाउट है इसमें? कुछ डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है? आप लोग भी ले लिया करो, है ना, स्क्रीनशॉट। मैं ले लिया हूँ। ठीक है, अगर किसी को नहीं मिलता है तो ले लिया। ठीक है, तो चलो हम लोग अब ये। सर हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर हेलो सर, वो हाँ। जो अभी जो क्या बोलते इसको, डेस्कटॉप ही छोटा होता है तो इसको बड़ा कैसे करते हो सर? हम ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है सर। वो होता है तो मेरे से होता नहीं, कैसे करते मेरे को समझ नहीं आता फिर। ऑल्ट प्लस एंटर दबाओगे तो हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग इसी प्रोग्राम को बनाएंगे विदाउट थर्ड वेरिएबल, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल का यूज़ करेंगे, ए और बी, टेम्प का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, नए प्रोग्राम में पेस्ट करूँगा। ठीक है, मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय बचा लेते हैं हम लोग। ठीक है, एडिट में जाके मैं इसको कॉपी करता हूँ, फाइल में जाके न्यू, और यहाँ पे उसको शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम आ गया। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ विदाउट यूजिंग, ठीक है। दोनों प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों प्रोग्राम आता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से टेम्प को हटा देंगे। ठीक है, टेम्प इसमें मैं नहीं ले रहा हूँ, ए और बी ही रहने दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, दोनों में इनपुट भी हम लोग रहने दे रहे हैं, इनपुट लेना है क्योंकि हम लोग को। यहाँ से टेम्प हटा देते हैं हम लोग, ए की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे हम लोग इस लॉजिक को भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नया फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे देखो। ठीक है, ए इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग करेंगे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b इक्वल टू ए माइनस बी हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू ए माइनस बी करेंगे। ये एक फॉर्मूला पहले से है हमारे पास। ठीक है, इतना करने से हम लोग का वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ स्वैप टू डॉट सी नाम से, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू मैं डाला 10, बी की वैल्यू डाला मैं 20। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप क्या हो गया, 20 हो गया, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैप 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं किए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। क्लियर? ठीक है, ऐसा समझो, इक्वल टू क्या आ गया, 30। ठीक है, मतलब फाइनल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 है। ठीक है, ए की वैल्यू थी 10, बी की वैल्यू थी 20। ठीक है, दोनों का ऐड किए तो क्या आ गया, ए की वैल्यू 30। ए की वैल्यू अब 30 है हमारे पास, ए इक्वल टू क्या है, 30 है हमारे पास। ठीक है, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या है, बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 है, ए की वैल्यू 30। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20। ठीक है, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 10। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 हो गई है। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 10 हो गई। ठीक है,
अब थर्ड लाइन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल टू ए माइनस बी हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 30, a की वैल्यू है 30, ठीक है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस, b की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। और a की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, ठीक है, एक्सचेंज हो गया। b की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो गई। आया समझ में कि नहीं आया? सर एक बार और बताओ। एक बार और बताऊं? ठीक, चलो एक बार और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, ठीक है। ले सकते हैं वैल्यू हम लोग, कोई दिक्कत है किसी को लेने में? मान लेते हैं हम लोग a में 10 है, b में 20 है, मानने में किसी कोई दिक्कत है, एज्यूम करने में किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ले लिए, ठीक है। अब हमारे पास a में है 10, b में है 20, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, a इक्वल टू ए प्लस बी, तो a प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20, ठीक है। 10 प्लस 20 हो गया, दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। ये 30 वैल्यू जो है वो किस में असाइन हो रही है, a में असाइन हो रही है, a में असाइन हो रही है। तो अब a की वैल्यू क्या है, 30 हो गई है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, 30 है हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड लाइन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। b इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। b इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 30, 30 वैल्यू है, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, b की वैल्यू, b में क्या है अभी हमारे पास, 20 है, 20, ठीक है। 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10 हो गया, 10, ठीक है, 10 हो गया। और किस पे साइन हो रहा है, b में साइन हो रहा है, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब 10 है। तो 10. a की वैल्यू है 30, a की वैल्यू क्या है, 30 है, और b की वैल्यू 10 है, क्लियर। अब थर्ड लाइन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। a माइनस बी, a इक्वल टू a माइनस बी, हम लोग a माइनस बी कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, 30 है, ठीक है। माइनस b की वैल्यू क्या है, 10 है। 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20, हाँ 20, ठीक है। 20 किस में असाइन हो रहा है, a में असाइन हो रहा है, किस में असाइन हो रहा है, a में असाइन हो गया। तो a की वैल्यू अब क्या है, 20 है, ठीक है। पहले क्या थी, 30 थी, अब क्या हो गई, 20 हो गई, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, 10 है, एक्सचेंज हो गए दोनों की वैल्यू। यहाँ ऊपर देखो, a की वैल्यू 10 थी, अब a की वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या थी, 20 थी, अब क्या है, 10 हो गई, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएं और इसको रन करके देख लेते हैं, हमें विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 99, बी में डालता हूँ 77, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप 77 हो गया, और वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैप 99 हो गया, ठीक है, समझ में आया? यस सर, ठीक है। तो हम लोग विदाउट थर्ड वेरिएबल भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम लोग को थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है तो थोड़ा सा तिकड़म दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा और लॉजिक बना के हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। सर जो आप वैल्यू फिट किए हो यहाँ पे ए प्लस बी, उसके हिसाब से आप ये वैल्यू लगाए हो कि 30 इज इक्वल 30?
नहीं, यहाँ ए बी की जगह कोई भी वैल्यू ले लो, सब में काम करेगा, सब हाँ में तो सर जो सेम। वैल्यू मतलब लगाए हैं उसके हिसाब से ही ना वो की आप। हाँ हेलो हाँ ये लॉजिक है, जो ए इक्वल टू किया ए ना प्लस सर आप। बी, बी इक्वल टू ए हाँ माइनस बी के साथ लॉजिक ये हाँ लॉजिक भाई लगाए हम लोग, ठीक है। मतलब ये ऐसा मास्टर लॉजिक है जो सब वैल्यू पे काम करेगा, ठीक है। ओके क्लियर? सर चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ठीक है, मैं कॉपी कर लिया, पॉज किया, सॉरी पॉज कर लेते हैं। ठीक है, अटेंडेंस लगा ली सभी लोग कि नहीं लगाए हैं? यस सर। लगा यस लिया सर अटेंडेंस? ठीक है, ओके। किसी कुछ पूछना होगा, किसी कुछ डाउट होगा तो बताओ, कुछ डाउट है तो। कुछ डाउट है किसी को? सर, जो हम लोग एक प्रोग्राम की करते जगह हैं उसको प्रैक्टिकल में करना है क्या? प्रैक्टिकल क्या 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 फिर से बताओ। कॉपी में नोट करना, हाँ जो प्रोग्राम हम प्रैक्टिकल लोग कॉपी अभी या कर कोई रहे भी। हैं उसको हाँ प्रैक्टिकल हाँ नोट करते जाओ उसको, है ना, जहाँ मर्जी वहाँ नोट करो, कॉपी। यस लेकिन सर। नोट करो उसको आउटपुट के साथ में, ठीक है। यस और सर। प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बता दिया हूँ समझ गए, लेकिन खुद को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब होगा तो कोई हेल्प नहीं करेगा वहाँ पे करने के लिए, खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तो प्रैक्टिकल जब तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, देखो कंप्यूटर जो है वो पढ़ने की चीज़ नहीं होती, वो सीखने की चीज़ होती है, आया समझ में। कंप्यूटर जो है उसकी सारी चीज़ें हम लोग को सीखनी है, जैसे तुम लोग MS वर्ड होगा, वर्ड वगैरह भी पढ़ रहे होंगे ना अभी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, ठीक है, और जो सर HTML वगैरह करा रहे सर, हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखनी है हमको। क्या हो मेरी? हाँ 2 मिनट रुको ना। हेलो हाँ ठीक है, सर। और किसी कुछ पूछना है क्या? नो सर। सर 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 मुझे पूछना था, डाउट है हाँ बोलो। सर। जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि सर जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं वो समझ में नहीं आता कि कौन सा किसके लिए यूज होता है, वो थोड़ा बता देता तो अच्छा रहता। कौन सा किसके लिए यूज़ होता है? तो ऑपरेटर का क्लास अटेंड नहीं की हो क्या? हाँ नहीं अटेंड नहीं किया था की? सर। नहीं किया था। अच्छा, तो उसके लिए ना नहीं आपको नहीं ऐप सर। में एक बार देखना पड़ेगा, ऐप में डला हुआ है, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर डला हुआ है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं उसको जी सैटरडे सर को क्लियर करूँगा, सैटरडे डाउट क्लास ले लूँगा, उस दिन क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जी सारे ऑपरेटर्स, ठीक है। जी सभी सर लोग सैटरडे को अपना डाउट जी क्लियर सर करा थैंक यू लेंगे, ठीक सर। है, जो भी डाउट होगा सैटरडे को डाउट क्लास होगा, ठीक है। चलो फिर आज की सभा फिर यहीं समाप्त करते हैं।